सोमवार से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि काफी व्यस्त रहने वाला है। सरकार इस सेशन में कुल 26 बिल पेश करेगी, और ऐसे कौन से अहम बिल हैं जो विंटर सेशन में सरकार लेकर आने वाली है? तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अगले हफ्ते से संसद के शीत सत्र की शुरुआत होने वाली है। सरकार के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि पिछला सेशन जो है वो विरोध की वजह से उसमें ज्यादा कामकाज नहीं हो सका था। कई अहम बिल्स जो है सरकार इंट्रोड्यूस नहीं कर सकी थी, लिहाजा कोशिश ये है कि इस सत्र को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने करीब 26 अहम बिल जो है इस बार बिजनेस लिस्ट में शामिल कराए हैं। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, उसको सरकार ने पहले ही उसकी वापसी की घोषणा कर दी है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। लिहाजा कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित बिल जो है वो सरकार के लिए प्राथमिकता होगी, और शुरुआत में ही सरकार इसको पेश करेगी ताकि इस विवाद को खत्म किया जाए। इसके अलावा कुछ और अहम बिल है, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन से संबंधित बिल है। हालांकि सरकार ने इसके लिए इस बात का इशारा किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैन किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का ये भी कहना है कि बिल की जो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, और इसको उचित समय पर सरकार पेश करेगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बिल है, वो है बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021। इसके जरिए सरकार दो सरकारी बैंकों के निजीकरण पर आगे बढ़ना चाहती है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने पिछली बजट में की थी। लिहाजा मौजूदा कानून में बदलाव के जरिए सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। दरअसल एक और ये विवादास्पद बिल है। इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकारों को भी एतराज है। जो किसान यूनियन है वो भी इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डीलाइसेंसिंग की जाएगी। इसका मतलब कि निजी कंपनियां भी जो राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियां हैं उसी तर्ज पर बिजली वितरण का काम कर सकती हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल भी है, जो कि बिजनेस लिस्ट में शामिल है। सरकार आईबीसी को और मजबूत करने की योजना बना रही है। साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। सरकार विंटर सेशन में इसको भी पेश करने की योजना तैयार कर रही है।